गोविंदगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुकवंत सिंह सहित 7 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा से प्रत्याशी सुकवंत सिंह तकरीबन 5000 समर्थकों के साथ नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे। भाजपा के प्रत्याशी रामगढ़ में स्थित किले से होते हुए एसडीएम ऑफिस रामगढ़ पहुंचे। नामांकन से पूर्व सुकवंत सिंह का जगह जगह माला पहनाकर स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी ने किले में स्थित सीताराम जी मंदिर के दर्शन कर नामांकन भरा। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी सुकवंत सिंह जी से हम बातचीत करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, सबका साथ सबका विकास, इसी को मैं फॉलो करूंगा। क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने विकास पर ही ध्यान दिया है। आज हर क्षेत्र में चाहे वो सड़क हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो आम नागरिक के लिए सुविधाएं हो, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ध्यान दिया है और जनता भी 4 साल बाद समझने लगी है कि वास्तव में प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो हमारा विकास करे, हमारे लोग सुख में काम आए। ऐसी योजनाओं को लेकर कि हमारी राज्य सरकार ने काम किया है उसी के अनुरूप मैं भी चलूँगा। आपका टिकट भाजपा से 6 में फाइनल होने के बाद कांग्रेस ने 153 नाम जारी कर दिए, नाम विधानसभा पर नाम नहीं करा, क्या कहना है? ऐसे ये उनका कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, कई परिस्थितियाँ नहीं होंगी, लेकिन आम जो अखबारों के चैनल से बातें आ रही है उसमें यह है कि वो बाहर के हारे हुए प्रत्याशी उनको हटने देना चाहते हैं। यहाँ जो विधायक विधायक रहे वो आ रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि टिकट हो जाए। मुझे मैंने इस चक्कर में टिकट हमारे हिसाब से अखबारों के साथ पड़ेगी। ये तो सच है कि जो पहले प्रत्याशी घोषित कर देता है उसको उसका लाभ मिलता है, लेकिन अब उन दूसरी पार्टी की क्या परिस्थितियां हैं उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं तो हमारी पार्टी के बारे में कहना चाहूँगा कि वो हमेशा सटीक निर्णय लेती है और समय पर निर्णय लेती है।